हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3, 1, -1 एंड 2, देन वी हैव टू प्रूव. फर्स्टली वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर -5a+7i इक्वल्स टू 0. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर -5a+7i इक्वल्स टू 0. बेसिकली ये क्या होती है, हमारे पास अगर ऐसे कुछ इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या बनती है, अगर एक जीरो मैट्रिक्स बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं हम इसको. अब इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू. ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 1, -1, 2, एंड अगेन इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3, 1, -1 एंड 2. मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो की पहले ए वन वन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, देन सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, एंड देन सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट. तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करती हूँ. 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर करने के बाद आएगा 9. 1 की -1 के साथ करते हैं तो -1 आएगा, राइट. अब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 की 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, 3. 1 की 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2. देन सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा -3 एंड -2. देन सेकंड रो की हमें करनी है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस 4, राइट. इसको कम्प्लीटली जब हम इसको एडिशन करके ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से 9 -1 इज यहाँ पर आ जाएगा 8, 3 प्लस 2 इज 5, 3 -3 एंड -2 इज -5, एंड 4 -1 इज यहाँ पर बन जाएगा 3. दैट मीन्स हमारे पास ये क्या आ गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास बन गई है. अब इसके लिए अभी हमें क्या करना है, हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 5 into a, 7 into identity, एंड सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट ऑन करेंगे. तो यहाँ पर पुट ऑन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, ये बनेगा ए स्क्वायर. ए स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 8, 5, -5 एंड 3. देन अगेन क्या है, -5 into a matrix, 3, 1, -1 एंड 2, +7 into 1, 0, 0, 1. ये है, हमें क्या करना है, इसको कम्प्लीटली सोल्व करके अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन गई, दैट मीन्स हमारा प्रूफ हो जाएगा. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स फर्स्ट एंड लास्ट मैट्रिक्स दोनों एडिशन में है, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करके फर्स्ट एंड लास्ट मैट्रिक्स को हम एड ऑन कर देंगे, राइट. तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर 8, 7 इज 15, 5 को 0 में ऐड करेंगे, ये हमारे पास 0 ही रहेगा. -5 को 7 में यहाँ से करना है, यहाँ से हम स्टार्टिंग से इसको दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि पहले हम ऐड ऑन कर लेते हैं. ये क्या बनेगा, यहाँ से 8, 5, -5 एंड 3, -5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 15, 5, -5 एंड 10. एंड देन 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7, 0, 0, 7. ये बन जाता है हमारे पास, राइट. अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम फर्स्ट एंड लास्ट मैट्रिक्स को हम ऐड ऑन करेंगे, तो ये क्या बनेगा, 8 की 17 में जब हम 7 में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 15, 5, -5 एंड 10. माइनस यहाँ से करेंगे तो ये क्या बनेगा, 15, 5, -5 एंड 10. जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाती है, एक जीरो मैट्रिक्स बन जाती है. 15 -15 इज 0, 5 -5 इज 0, 0 एंड 0. यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, एक जीरो मैट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एलिमेंट्री मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बेसिकली हम क्या लेकर चलते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो यहाँ पर पुट डाउन कर लेते हैं. मैट्रिक्स क्या गिवन थी, यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल्स टू 3, 1, -1 एंड
टू, यहाँ से हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हमें निकालना है ए इनवर्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए हम क्या कंडीशन लेकर चलते हैं, ए इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी। जब मैं ये लेकर चलती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर थ्री वन माइनस वन एंड टू इक्वल्स टू ए इंटू 1001। बेसिकली हमें इसमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स गिवन है, इसको हमें क्या करना होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। एंड हम इसमें जो प्रोसीजर लेकर चलेंगे वो या तो हम लेकर चलेंगे कॉलम ऑपरेशन या फिर रो ऑपरेशन, राइट। यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो फर्स्ट एंट्री है इसको वन बनाना पड़ेगा। अब इसको वन बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, चेंज करूँगी फर्स्ट ऑपरेशन में, यहाँ पर इसमें लगा कर चल रही हूँ सी वन को मैं इंटरचेंज करूँगी किस में, सी टू में। जब मैं सी वन को सी टू में इंटरचेंज करती हूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पर वन टू थ्री एंड माइनस वन। सिमिलरली वही सेम ऑपरेशन हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में, तो क्या बनेगा, जीरो वन वन जीरो, ये बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास ये वन तो बन गया है, अब इसको मुझे थ्री को यहाँ से क्या बनाना है, जीरो बनाना है। थ्री को जीरो बनाने के लिए जो मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगी सी टू पर लगाऊंगी, सी टू पर जब मैं ऑपरेशन लगाती हूँ वो क्या बनेगा, सी टू पर बनाना पड़ेगा मुझे सी टू माइनस थ्री सी वन ऑपरेशन, राइट। जब सी टू माइनस थ्री सी वन ऑपरेशन मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो मेरे पास फर्स्ट, क्योंकि मैं सेकेंड कॉलम पर लगा रही हूँ तो फर्स्ट कॉलम रहेगा यहाँ पर एज इट इज, दैट मीन्स वन टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हम लेकर चल रहे थे, सी टू माइनस थ्री सी वन। सी टू क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस के वन माइनस वन एंड थ्री सी वन इज सिक्स, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के सेवन। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस सेवन इक्वल्स टू, इसमें भी क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम हमारे पास एज इट इज रहेगा जीरो वन, यहाँ पर हम जीरो वन एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड कॉलम में चेंज होगा तो सेकेंड कॉलम यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सी टू पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, सी टू माइनस थ्री सी वन, राइट। सी टू क्या है, वन माइनस जीरो, तो ये तो यहाँ पर वन माइनस थ्री सी वन, तो यहाँ पर ये क्या ही रहेगा, ये वन ही रहेगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे इसमें से जीरो माइनस के थ्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, राइट। ये ऑपरेशन हो गए। अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट सोल्व करने के लिए क्या करना है, इस सेवन को वन बनाना है। तो मैं नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लेकर चलती हूँ, इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन मैं इसमें लगाऊंगी सी टू पर माइनस के वन बाई सेवन इंटू सी टू, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वन टू जीरो, यहाँ पर बन जाएगा वन इक्वल्स टू ए इंटू जीरो वन वन बाई माइनस वन बाई सेवन एंड थ्री बाई सेवन, ये हो जाएगा, राइट। अब मुझे सिर्फ मेरी ये एंट्री को मुझे जीरो बनाना है, इसके लिए मैं ऑपरेशन यहाँ पर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर ऑपरेशन हो जाएगा सी वन पे लगेगा, तो सी वन ऑपरेशन क्या होगा, सी वन माइनस टू सी टू। जब मैं ये लेकर चलती हूँ तो ये राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, जब मैं ये ऑपरेशन इसमें लगा रही हूँ, जीरो माइनस टू सी वन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के टू बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन एज इट इज रहेगा। जब मैं यहाँ पर लगाऊंगी वन माइनस, ये क्या है, वन माइनस सिक्स बाई सेवन, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, वन बाई सेवन। एंड यहाँ पर क्या रहेगा, थ्री बाई सेवन। इट मीन्स यहाँ से ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस के टू बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन वन बाई सेवन एंड थ्री बाई सेवन। सो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स इंटू वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, ओके। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस फंक्शन का। बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए हम वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करके चलेंगे। प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म तो वो होगा जीरो टू वन, एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वन माइनस एक्स से इंटू वन माइनस एक्स होल पावर एन इंटू डी एक्स। जब हम इसको कम्प्लीटली सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास जीरो टू वन वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वन पावर यहाँ है एन यहाँ है, तो क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स रेज टू पावर
एन प्लस वन इंटू डी एक्स, राइट। अब मुझे अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, इसके साथ इंटीग्रेशन हम अलग लेकर चलेंगे और इसके साथ इंटीग्रेशन अलग लेकर चलेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो टू वन, वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स माइनस जीरो टू वन, वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू डी एक्स, राइट। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू माइनस वन, लिमिट इज जीरो टू वन, माइनस जीरो टू वन, वन सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू इंटू माइनस वन, लिमिट इज जीरो टू वन। जब ये माइनस वन यहाँ पर आएगा तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं एन प्लस वन माइनस के, अंदर जब मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब मैं वन पुट करूँगी तो जीरो बन जाएगा, जब मैं जीरो पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस के वन, राइट। सिमिलरली माइनस वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, और इसमें भी क्या हो जाएगा, वन पुट करने के बाद मेरे पास जीरो बनता है एंड जब मैं लोअर लिमिट पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको फर्दर हमारे पास ये बनेगा वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। हम इसका आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं लेकिन आगे फर्दर हम इसको एक और स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारे पास इसमें आएगा एन प्लस टू एन प्लस वन, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, दैट इज वन अपॉन एन प्लस वन एंड एन प्लस टू, दिस इज द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सोल्व इंडिपेंडेंटली, दैट इज वन अपॉन थ्री एंड वन अपॉन थ्री फोर, इफ द If both of them try to solve the problem, then what is the probability of the problem to be solved, right? अब हमें हमारे पास इसमें दी हुई है कि दो ए और बी के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 बाई थ्री एंड 1 बाई फोर है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 बाई थ्री एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1 बाई फोर, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा है कि बोथ ऑफ देम दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन फोर, दैट इज वन अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। अब हमारे हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, वन अपॉन थ्री, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन वन अपॉन फोर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज वन अपॉन ट्वेल्व, राइट। तो यहाँ पर जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वेल्व, तो क्या होगा, फोर प्लस थ्री माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स बाई ट्वेल्व, दैट इज वन अपॉन टू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।